हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पलवल शहर में लूटपाट का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नकाबपोश दो युवक अपने हाथों में हथियार लहराते हुए एक रेस्टोरेंट में दाखिल होते हैं और एक फायर सीधा कैश काउंटर पर करते हैं। हथियार लेकर एक युवक कैश काउंटर के अंदर चला जाता है। दोनों युवक हथियारों के दम पर हजारों रुपए की नकदी लूटकर बाहर खड़े बाइक सवार अपने तीसरे साथी के साथ आसानी से फरार हो जाते हैं। इस मामले में कैंप थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक की शिकायत पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन वारदात के तीन दिन बाद भी आरोपियों का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। ये पूरी घटना जिगपॉक्स रेस्टोरेंट की है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश अब शुरू कर दी है। अपना यहाँ पे कैश वगैरह गिन रहे थे उस टाइम पे, लगभग 9:45 से 10 बजे तक के बीच में अपना बंद करके जा रहे होते हैं सर। तो उसी टाइम पे पूरा कैफे खाली था, जिस टाइम पर मतलब तीन बंदे बाहर आए और वो टीवीएस बोर्ड पर थे, जिसमें से दो बंदों के हाथ में कट्टा था और वो अंदर आके सबसे पहली गोली उन्होंने काउंटर पर मारी। उसके बाद एक बंदा अंदर आया, उसने पूछा कि गल्ला कहाँ पे है। मैंने उसको बता दिया कि गल्ला यहाँ पे है और उन्होंने पैसे वगैरह उठा लिए जितने भी है। पैसा उठाने के बाद भी उन्होंने एक गोली और फायर करी अंदर, वो मेरे लगभग कान पे सर होते हुए गई सर। तो वो गोली लगभग उसने मेरे सर पर मारने की कोशिश करी थी, पर वो मैंने थोड़ा सा सर हटा लिया तो वो ऊपर जाके लगी सर। और उसके बाद उसने मेरी जो बंदूक है वो पेट पे लगाई, तो मेरे को ये डर था कि वो पेट में वो बंदूक मारेगा, और तो मैंने उसको दबोच के नीचे वो उसका कट्टा छीन लिया। जैसे मैंने उसका कट्टा छीना तो एक बंदा जो उसके साथ था, जो सामने खड़ा था, उसने एक फायर और करा जो सामने लगा बिल्कुल। तो उसका जब गोली वगैरह वो लोड नहीं कर पाया तो वो डर के मारे दोनों भाग गए, जिसमें से तीसरा बंदा उनके साथ तैयार था बाइक पर, और जैसे ही बंदे बाहर दोनों बैठ के निकल गए यहाँ से। यहाँ जुगपॉक्स रेस्टोरेंट है उस पे कोई जो है ना अपना भय दिखा के गोली चला के और कैश वगैरह ले गए, जिसमें तीन जब हमने पता करा तो तीन लड़के आए हैं और दो के पास वो अंदर आए हैं रेस्टोरेंट में और उन्होंने हथियार के साथ थे दोनों और एक ने आके काउंटर पे फायर किया है। कितने रुपए उन्होंने लूटे वहां? जो शिकायतकर्ता ने बताया हमारे को करीबन 8 से 10 हजार रुपये बताया। अच्छा, डेली कलेक्शन कैसे था उसमें? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्या कुछ आरोपी की तलाश की जा रही है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दो जगह हमने जिन पे शक था उन पे उनसे पूछताछ भी की है, और इस उसमें हमारी ऑलरेडी टीम में जो एक दो टीम है